हाय फ्रेंड, childa.com में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए जो रेसिपी लेकर आए हैं उसका नाम है निमकी या मैदा त्रिकोण। निमकी या मैदा त्रिकोण बनाने के लिए हमें चाहिए मैदा, नमक, घी, कलौंजी, चाट मसाला और तेल। निमकी या मैदा त्रिकोण बनाने के लिए एक बाउल में एक कटोरी मैदा, 1 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून कलौंजी और 4 to 5 टीस्पून तेल डाल देंगे। अब थोड़ा थोड़ा पानी मिलाते हुए उसका डो तैयार कर लेंगे। अब इस डो को 15 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। अब एक बाउल में 4 टीस्पून मैदा और 2 टीस्पून घी मिलाकर उसको अच्छी तरह से फेंट कर पेस्ट तैयार कर लेंगे। अब ढक्कन हटाकर इस थोड़ा सा और गूंथ लेंगे। अब डो का बड़ा टुकड़ा तोड़कर रोटी की शेप में थोड़ा मोटा बेल लेंगे। अब इसके ऊपर मैदा और घी का पेस्ट फैला देंगे। अब इसके ऊपर 1/2 टीस्पून चाट मसाला डाल देंगे। आप चाहें तो बिना चाट मसाला के भी इसको बना सकते हैं। अब इसको किनारों के सहारे रोल कर देंगे। और चाकू से इसके छोटे छोटे टुकड़े काट लेंगे। अब इन टुकड़ों की लोई बनाकर बेल लेंगे और फिर इसे त्रिकोण शेप में फोल्ड कर लेंगे। अब चाकू या फोक की सहायता से इसके छोटे छोटे छेद कर देंगे जिससे ये फूले नहीं। अब इन्हें धीमी आंच पर 10 से 15 मिनट तक डीप फ्राई कर लेंगे। फ्राई होने के बाद इसको प्लेट में बाहर निकाल लेंगे। इस तरह निमकी या मैदा त्रिकोण सर्व करने के लिए तैयार है। उम्मीद है आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई होगी। आप स्क्रीन पर दिए गए वीडियो लिंक पर क्लिक करके हमारी अन्य रेसिपीज़ को भी देख सकते हैं। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आती है तो हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। जल्दी एक नई रेसिपी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय।